संभल में संतान पैदा ना होने पर निकाह के 16 साल बाद महिला को 3 तलाक देने का सामने आया है मामला। पुलिस ने 3 तलाक पीड़ित महिला की शिकायत पर 3 तलाक देने के आरोपी शख्स के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और महिला विवाह अधिकार अधिनियम 2019 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित महिला ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी मदद की गुहार लगाई है। 3 तलाक देने का ये मामला संभल जनपद में नखासा थाना क्षेत्र का है। नखासा थाना क्षेत्र के हातिम सराय इलाके की रहने वाली 3 तलाक पीड़ित रूबी का आरोप है कि उसका निकाह वर्ष 2014 में सिरसी के कस्बे के गुन्नौरी मोहल्ले के इदरीस के साथ हुआ था। निकाह में उसके परिजनों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज भी दिया था, लेकिन निकाह के कुछ महीने बाद ही इदरीस ने निकाह में कम दहेज देने की शिकायत करते हुए उससे मारपीट शुरू कर दी। इस बीच इदरीस ने उसे अपने घर से भी निकाल दिया। ससुराल से निकाले जाने के बाद से वह अपने मायके में रह रही थी। इसी बीच 5 जुलाई को इदरीस उसके मायके आया और 1,00,000 रुपए की मांग के साथ ही बच्चा पैदा न होने का ताना देते हुए उससे मारपीट करने लगा। जब उसने मारपीट का विरोध किया तो इदरीस उसे 3 तलाक बोलकर गाली गलौज करते हुए चला गया। 3 तलाक पीड़ित रूबी ने नखासा थाने में अपने पति इदरीस के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। नखासा थाने की पुलिस ने पीड़ित रूबी की शिकायत पर उसके पति इदरीस समेत 5 ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और महिला विवाह अधिकार अधिनियम 2019 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 तलाक पीड़िता रूबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मदद की गुहार लगाई है। 16 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, तो भाई साहब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या गलती बताई। मुझे मारता है मेरा आदमी, बहुत परेशान करता है, डंडे भी मारता है, खाने को भी नहीं देता, खाना और सब सारी दुनिया सुनती है क्या कहूँ कि एक इंसान मजबूर हो गए तो कोई साथी देने वाला ना, और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। अब क्या क्या हुआ आपके साथ? अब मेरे पूरी आँखों की थी, मैं पूरी जवानी की थी, अब मेरे अंदर इतनी जान कहाँ है जो मैं इतना कट कर रहा हूँ। एक बाप की पैदा है तो आना मत, सिर्फ 3 बार तलाक 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 बोल के और चले गए। अब अपने तेरे भाई गवर्नर है तो मैं देख लूँगा, ऐसे बोल के चले गए 3 बार। मोदी जी से कहती हूँ कि मेरा इंसाफ करो और मेरे साथ, मुझे मोदी जी की ज़रूरत है, वो मेरी मदद करें कुछ मोदी जी के, अपनी कुछ बातें टेंशन में दिमाग से आ जाती है। क्या कहना चाहती है? मेरे बच्चे परदेश में रहते हैं बम्बई, और घर से आया और आम के इसे बहला के ले आया और आम के तलाक 3 दफे ले लिया, और मेरे बच्चों के 3-3, 4-4, 7-7 बच्चे हैं, उनसे देखेंगी इसे देखेंगे बात बनने के पहले क्या होगा। मेरी बच्ची के बच्चे नहीं हैं तो इस दवा में इसे तलाक दे दिया, और जैसा लड़ा होता वो नहीं हुआ, तो पैसा मांगता हर दफ़े में, कभी कहे 1,00,000 रुपये ला, कभी कहता 50 लाख ला, मेरे घर पहुँचा दिया। 1 महीने में 3 दफे मेरे घर पहुँचा दिया। अब ये चाह रही थी कि मेरा घर हो जा, चली जा रही थी और मैं भी पहुँचा दे रही थी। अब किसरा के जाया से एकदम तलाक देके भाग दिया, और फिर मेरा पोता आया, उसने कहा कि तूने मंगाया मुझे बुला के, तो देखने मंगाया तो भाग गया, ताले देके गायब हो गया, मिला नहीं। सर थाना नखासा क्षेत्र में एक तलाक सामने आया है, सर क्या है पूरी खबर? ये हातिम सराय नखासा की एक पीड़ित महिला है, उनके द्वारा अपने पति इदरीस सहित अपनी उनके जेठानी जेठ और नंद सहित कुल 5 के खिलाफ थाना नखासा पे 18 जुलाई को तहरीर दी है, जिसमें इनके द्वारा उत्पीड़न किया जाना और 3 तलाक दिए जाने के संबंध में इनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसकी विवेचना ऐसे ही प्रमोद कुमार द्वारा की जा रही है। विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार सही से विवेचना की जाएगी।